पिक्चर चालू करो बे। सभी का मैं शुरुआत डॉक्टर अजय आलोक आपके साथ करूंगी। मुझे बस इतना बताइए कि पेपर लीक हुआ, इसके चलते यूजीसी नेट की परीक्षा रद्द करने का फैसला 24 घंटे में ले लिया गया। नीट को लेकर इसी तरीके का कदम एक महीना गुजर जाने के बाद भी सरकार क्यों नहीं उठा पा रही है सर? गुड क्वेश्चन, यू आर अ गुड क्वेश्चन। नहीं रोमाना जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। देखिए, नेट की परीक्षा 18 तारीख को हुई थी। केंद्र सरकार को गृह मंत्रालय के साइबर इनपुट की तरफ से सूचना मिली कि परीक्षा का आधार अप्रमाणिकता कहीं ना कहीं से कॉम्प्रोमाइज हो गई है बिना सोचे हुए, क्योंकि गृह मंत्रालय की रिपोर्ट थी, अटैच थी, एक डेफिनेट इनपुट था। शिक्षा मंत्रालय ने फैसला किया, नेट को रद्द किया और दूसरी परीक्षा भी कंडक्ट करवाएंगे। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। नीट के मामले में भी हम इसी तरह से बढ़ रहे हैं। दो मॉड्यूल आए थे, पटना मॉड्यूल आया, गुजरात का गोधरा मॉड्यूल आया। गोधरा मॉड्यूल में क्लियर कट हुआ था कि ये ओमआर को खाली रखने के लिए कहा गया था सेंटर पदाधिकारियों के द्वारा, ताकि ओमआर शीट को बाद में भर सके। पटना मॉड्यूल में सामने आई बात कि एक दिन पहले पेपर लीक हुआ नहीं हुआ, इंक्वायरी ईओयू कर रही थी, ईओयू से विभाग टच में था। आज भी ईओयू के जो एडीजी हैं नैयर हसन खान, वो शिक्षा विभाग के सामने अपनी रिपोर्ट रखेंगे। उनको जले हुए क्वेश्चन की प्रति, ओमआर शीट, कैंडिडेट के नंबर, ये सब बाद में 4-5 तारीख के एग्जाम के बाद एक एक करके मिलते गए। इन्होंने गिरफ्तारियां भी की, उससे पूछताछ हुई। दो छात्राओं को कल भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था। आज सारे इनपुट्स लेके वो शिक्षा विभाग के पास रखेंगे। देखिए, एग्जाम कैंसिल और मामला सुप्रीम कोर्ट के परव्यू में भी है, तो इसीलिए हर तरह से हर जगह की ट्रांसपेरेंसी मेंटेन है। मामला किसी भी तरह से ये है कि 24 लाख छात्रों का भविष्य किसी हालत में कॉम्प्रोमाइज नहीं करने दिया। मेरा सवाल यही है सर, 24 लाख छात्र हैं और उनका जो भविष्य है वो फिलहाल सूली पर लटका हुआ नजर आ रहा है। ये भगवान क्या जुल्म है। जिस तरीके से 24 घंटे के भीतर भीतर यूजीसी नेट वाला मामला एग्जाम रद्द किया गया ना, रीटेस्ट होगा, अब ये नीट वाला मामला, हम वक्त गवा रहे हैं सर। आप तो डॉक्टर हैं, आप तो मुझसे बेहतर जानते हैं इस परीक्षा के लिए छात्र कितनी मेहनत करते हैं। आपने तो खुद ही यहाँ देश को बैठकर बता दिया कि दो मॉड्यूल सामने आ गए, गोधरा का मॉड्यूल, पटना का मॉड्यूल। आप तो खुद बिहार से ताल्लुक रखते हैं और आपको तो कम से कम अपनी स्टेट पुलिस पर भरोसा होगा कि बिहार पुलिस अगर जांच में कह रही है कि पेपर पहले से ही लीक था, वो जले हुए हिस्से भी मिल गए क्वेश्चन पेपर के, तो मतलब इतना वक्त फैसला लेने में क्यों लगाया जा रहा है सर? क्यों यहाँ पर कंफ्यूजन, क्यों छात्रों को कोर्ट दर कोर्ट भटकने के लिए छोड़ दिया गया है कि छात्र अपनी गुहार लेकर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं? वो यही तो चाह रहे हैं कि रीटेस्ट करवा लो, रद्द करो, रीटेस्ट करवाओ, नई तारीख दो। सुप्रीम कोर्ट के मामले में आपने और छात्रों को फंसा दिया कि बेचारे वहां पर भी अब चक्कर पे चक्कर लगाए जा रहे हैं। सरकार ले लेना सर फैसला, कैंसिल करें, रीटेस्ट करवाए, बात खत्म। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। देखिए रोमाना जी, आप बिल्कुल सही बात कह रही है, लेकिन एक भावना होती है, एक यथार्थ होता है। यथार्थ ये है कि आपको या तो एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेना है, और एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन अगर लीगल परव्यू में चला गया है तो लीगल परव्यू को ध्यान में रखते हुए आपको एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेना है। okay. आज सरकार एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन भी लेगी तो भी सुप्रीम कोर्ट को कंसेंट मिलेगी कि हम ये एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजन लेने जा रहे हैं। आप सरकार चला रहे हैं, आप खटाखट का खेल नहीं खेल रहे हैं। ये फेक वीडियो भी चला दिया, उसके अलावा हाईकोर्ट से डांट भी पड़ी, श्रुति पटेल पकड़ी भी गई, लेकिन अभी कार्रवाई उस पर हो रही है। मालूम है खटाखट का खेल नहीं चल रहा है। तेजस्वी यादव के पीएस ने कमरा भी बुक करवा दिया, जो मेल लीक करवा रहा है उसको ठहरा भी रहा है, उसकी भी जांच अभी चलनी है। खेल यहीं पे खत्म नहीं होता है, हर चीज का एक एंगल होता है। हम ये प्रतिबद्धता है हमारी कि हम 24 लाख छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होने देंगे, चाहे एग्जाम रिकंडक्ट करवाना पड़े, चाहे जो करना पड़े। रिकंडक्ट करवाने के बाद भी जो भी इसके दोषी हैं वो सामने आएंगे। सुप्रिया सुने, फिर दिक्कत क्या कांग्रेस की तरफ से है कि विपक्ष जो है वो सरकार पर दबाव बना रहा है कि खटाखट फैसले लो, जो कि अजय आलोक कह रहे हैं कि साहब खटाखट अंदाज में नहीं, लेकिन हाँ 24 लाख जो छात्र हैं उनका भविष्य हम पूरी तरीके से सुरक्षित रखेंगे, ये हम इंश्योर कर रहे हैं। सुप्रिया जी जी हाँ, सबसे पहले तो मैं ये कहना चाहती हूँ, 24 लाख नीट के छात्र हैं और 10 लाख वो छात्र हैं जिन्होंने नेट का एग्जाम दिया था। अभी 34 लाख लोगों की ही बात कर लेते हैं, इन 34 लाख लोगों का पेपर लीक हो गया। अरे आप तो वॉर रुकवा रहे थे, पेपर लीक काहे नहीं रुकवा पा रहे? सवाल इस बात का है, पहली बात। और दूसरी बात यह कहनी कि 7 साल में 70 पेपर लीक हुए हैं और 2 करोड़ से ज्यादा लोगों का, ज्यादा अभ्यर्थियों के भविष्य पर प्रश्न चिन्ह लगाने का काम किया है। गुजरात, हरियाणा, बिहार में ये पेपर लीक हुआ है, क्यों नहीं हम तफ्तीश कर पा रहे? तीसरी बात ज्यादा जरूरी है यहां पर करना, धर्मेंद्र प्रधान ने मंत्री बनते ही, एजुकेशन मिनिस्टर बनते ही कहा कोई पेपर लीक नहीं हुआ है। और गिरिराज सिंह और उनके तमाम साथी कह रहे हैं कि पेपर लीक हुआ है, तो क्या सरकार का दाया हाथ सरकार के बाएं हाथ से बात ही नहीं कर रहा है? और जब अब कबूलनामा किसी ने साइन कर दिया है, लिखित एफिडेविट पर कह दिया है पेपर लीक में उन्होंने 30-30, 32-32, 40 लाख रुपए तक दिए थे, किसी के फूफा ने लाकर उनको पेपर दिया, वही सारे क्वेश्चन आए, ये कबूलनामा है, तो सरकार कैंसिल क्यों नहीं कर रही है? कौन है ये लोग, कहां से आते हैं? आज सवाल इस बात का है, सवाल इस बात का है कि जो बच्चे, और यहां पर मैं 30 सेकंड लेकर बोलना चाहती हूं, यंग बच्चों की मां हूं, बच्चे दिन रात मेहनत करते हैं, माँ बाप पेट काट के बच्चों को पढ़ाते हैं, तिगुनी फीस हो गई है, कोचिंग सेंटर का खर्चा अलग, पेपर का फॉर्म खरीदने का खर्चा अलग, उसके बाद गाजर मूली की तरह बसों और ट्रेनों में लदकर वो जाते हैं पेपर लिखने और पेपर लीक हो जाता है। यूपी पुलिस का पेपर लीक होता है, यूपी टेट का लीक हो जाता है, गुजरात का हो जाता है, लेखपाल का हो जाता है, सीबीएसई का मैथ्स और इंग्लिश का पेपर लीक हो जाता है। हम चंद्रयान पहुंच सकते हैं, हम बिना पेपर लीक कराए पेपर नहीं करा सकते। बवाल,
जुम करो। और ये कौन सी यहाँ पर फर्जी बातें आकर हो रही है? खटाखट लोगों का भविष्य बनाइए। आप कितने उदासीन हैं और कितनी अवहेलना इस देश के युवाओं के साथ कर रहे हैं, ये असलियत है। बात तो सही है। नहीं देखिए अजय आलोक जी, सुप्रिया जी यहाँ पर जो बात कर रही है ना, वो बुनियादी बात है सर। मैं भी उसी तरीके का आपसे सवाल कर रही थी और आप भी उस सवाल को समझ रहे हैं और आप भी कहीं ना कहीं इस बात का एहसास रख रहे हैं कि हाँ ये परीक्षा रद्द होनी चाहिए। अब सवाल ये सर, जिस बात का जिक्र अभी सुप्रिया जी ने किया कि साहब धर्मेंद्र प्रधान वो शिक्षा मंत्री बने, मुझे भी उनका ये बयान, आज सुबह से हम भी अपने न्यूज रूम में इस बात को लेकर चर्चा कर रहे थे कि शिक्षा मंत्री ने बयान किया कि साहब ये नीट के पेपर में, मैं आपको अश्योर करता हूं कि पेपर लीक तो नहीं हुआ, गड़बड़ियां हुई हैं, अनियमितताएं हुई हैं, लेकिन पेपर लीक नहीं हुआ। और अब बिहार में ही देख लीजिए सर, वो पेपर लीक का ही सबूत आ गया। आपने खुद सर अभी बयान दिया था कि इस लीक के पीछे तेजस्वी यादव है। तो सर ये क्या यहां पर कम्युनिकेशन सही से नहीं हो पा रही है? शिक्षा मंत्री को पता ही नहीं है क्या कि पेपर लीक हो गया है? क्या उनकी जानकारी में ये बात नहीं है? क्योंकि वो तो मीडिया के सामने आकर पहला बयान ये देते हैं कि देखिए नीट का पेपर लीक नहीं हुआ है। और अब जितने साक्ष्य और सबूत सामने आ रहे हैं, सबसे यही समझ में आ रहा है कि साहब पेपर तो लीक हुआ है। शिक्षा मंत्री का पहले दिन का बयान था जी, कि जहां तक मेरी सूचना में है कोई पेपर लीक नहीं हुआ। बिल्कुल, शिक्षा मंत्री का यह पहले दिन का बयान था। शिक्षा मंत्री के दूसरे दिन का बयान था, सूचनाएं आ रही हैं, गड़बड़ी की शिकायतें मिल रही हैं, हम कार्रवाई कर रहे हैं। शिक्षा मंत्री के तीसरे दिन का बयान था कि गड़बड़ है, हम नीट के अधिकारियों को भी छोड़ेंगे नहीं, जो भी दोषी होगा बख्शेंगे नहीं, एक एक चीज की जांच करवाई जा रही है। मंत्रियों के पास जो इनपुट्स आती हैं उसी के आधार पर अगर मीडिया पूछता है तो बयान देते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। पहले दिन का बयान उसी इनपुट्स के आधार पर था। आज इतनी इनपुट्स आ रही हैं, उसी शिक्षा मंत्री ने आज ईओयू के एडीजी को स्पेशली दिल्ली बुलवाया है कि जो भी इनपुट्स हैं हमें बताइए। ईओयू के जब एडीजी अपने बिहार पुलिस की सारी इनपुट्स देंगे तो उसके अनुसार शिक्षा मंत्री फैसला लेगा। मैं तो बस ये जानना चाह रहा हूं कि सरकार की एक प्रक्रिया होती है, उस प्रक्रिया में बिल्कुल ठोसता होनी चाहिए, लेकिन उसका क्या करें जो जबरदस्ती एक माहौल खराब करने के लिए। सुप्रिया जी जो बोल रही है वो भावनात्मक बात बोल रही है, मुझे भी भावना पता है। हाँ। मेरे घर में भी 6-6 एप्लीकेंट हैं जो नीट देकर बैठे हुए हैं। झूठ बोल रहा है। किसी के 622 आए, किसी के 680 आए, किसी को 605 आए, जो मुझसे ही पूछ रहे हैं कि बताइए क्या करना है, अब इतना मार्क्स लेके भी कुछ नहीं मिलेगा, हम लोग का तो रैंक चला गया 35,000 पे। मेरे घर में 5 आदमी, लेकिन भावनात्मक मुद्दों, भावनात्मक बातों से सोल्यूशन नहीं निकलता। लेकिन उनका क्या करेंगे जो फेक वीडियो चला रहे हैं, जो श्रुति पटेल लखनऊ में लड़की पकड़ी गई जिसको लखनऊ हाईकोर्ट ने रिप्रेजेंट किया, उसका फेक वीडियो प्रियंका गांधी क्यों चला रही है? राहुल गांधी बात करेंगे प्रियंका से कि ऐसा क्यों किया आपने? तेजस्वी यादव के पीएस, तेजस्वी यादव के पीएस पर भी आ रही हूं, उस पर भी आ रही हूं। आयुष श्रुति जी जी अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ये जल्दबाजी में खटाखट के चक्कर में तो ये गलती नहीं हो गई सुप्रिया जी ने, जिसका जिक्र यहाँ पर कर रहे हैं डॉक्टर अजय आलोक, बाकी दो मेहमान भी हैं। अजय जी, सुप्रिया जी से जवाब लेकर बाकी दो मेहमानों का भी रुख करना है मुझे। सुप्रिया जी प्लीज आइए। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि ये हमारी और आपकी तू तू मैं मैं और खेत मेल का झगड़ा नहीं है, ये बीजेपी वर्सेस कांग्रेस नहीं है, ये सत्ता वर्सेस विपक्ष नहीं है, ये हिंदुस्तान के युवाओं के भविष्य का सवाल है। और आपकी नाक के नीचे लगातार पेपर लीक हुए हैं। अरे भाई 7 साल बाद तो पुलिस भर्ती का पेपर आया यूपी में, 7 साल में पहली बार पुलिस भर्ती होने जा रही थी, क्यों वो पेपर लीक हुआ? और उसके बाद अब पुलिस भर्ती अगली कब होगी? फेक न्यूज की बात करेंगे, आपको शर्म नहीं आ रही है? युवाओं के अंदर रोष है, उनके परिवारों पर क्या बीत रही है, यहाँ पर आके फेक न्यूज की बात करेंगे? हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। सुप्रिया जी आराम से अपनी बात रखिए, आपको कोई नहीं रोक रहा बीच में, प्लीज आइए। मतलब मंत्री के पास तो सीधी सी बात है, इन्होंने स्वीकार लिया, मंत्री के पास हर दिन नया इनपुट आ रहा है, तो मंत्री झुंझुना क्यों बजा रहा है? मंत्री क्यों नहीं पेपर कैंसिल करता है? फिर बताइए मुझे, मंत्री के पास आज एक इनपुट है, कल एक इनपुट है, परसों एक इनपुट है, उनके दूसरे कैबिनेट को नहीं के पास कोई और इनपुट है तो पेपर कैंसिल क्यों नहीं हो रहा है? अरे पुलिस आपकी है, ईओडब्ल्यू आपका है, कराइए जांच, करिए पेपर कैंसिल। डॉक्टर अजय आलोक, यहाँ तो लोगों के मन में यह सवाल भी आ रहा है कि क्या वाकई में सरकार गंभीर है भी इस पेपर लीक के खेल पर रोक लगाने में या नहीं? क्योंकि आप देखिए ना, मामला पेपर लीक का है ना, पर्चा लीक होने का, और वहाँ बिहार में क्या हो रहा है सर, डिप्टी सीएम जो है वो कमरा किसने बुक कराया, वो बुक कराने वाला किस नेता का पीएस, इसको लेकर जवाब दिए जा रहे हैं, इसको लेकर वहां पर राजनीति अलग ही लेवल पर खेली जा रही है। मतलब आज जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने देखी तो हमें क्या ख्याल आया सर? हमें ख्याल ये आया कि अभी पिछले दिनों वो जो नई संसद में हमला नहीं हुआ था, वो हमला किसने किया उस पर बात करने की बजाय वो हमला करने वालों को पास किसने जारी किया था, बीजेपी के एमपी थे ना सर वो तब के मैसूर वाले प्रताप सिम्हा जी, कि वहां उस तरीके का ये मामला लग रहा है सर, ये क्या खेल चल रहा है जी? ये तो लेटेस्ट न्यूज है। देखिए रोमाना जी, मामला कोई भी हो, मामला की तह पे हर जगह से जाना पड़ेगा। पेपर लीक हुआ है, मालवीय जी कह रहे थे, बिल्कुल मैं अग्री करता हूँ कि हमारा अगर पेपर लीक हुआ है जो कि लग रहा है, जितने फैक्ट फिगर्स हमारे पास हैं, और ये फिगर्स लेके एडीजी नैयर हसनैन खान वहां गया, ये बोला गया कि नैट को एक दिन में रद्द किया गया, इसको क्यों नहीं किया गया? ये बात तो मैं कह रहा हूं, मैंने पहले ओपनिंग स्टेटमेंट में कहा था कि डेफिनेटिव इनपुट्स मिलता है तभी ये फैसला लिया जाता है, खासकर जब ये फैसला अब एडमिनिस्ट्रेटिव के साथ साथ लीगल परव्यू में भी है, ये सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटरिंग में, हम जो भी फैसला लेंगे हमें सुप्रीम कोर्ट का अवगत करवाना है, और बिना साक्ष्य बिना सबूत के हम कोई फैसला नहीं ले सकते, ये आप इमोशनल बेसिस पे नहीं कर सकते। लेकिन अगर बच्चों के भविष्य के लिए ये नीट परीक्षा रद्द करने का फैसला आप ले लेंगे और सुप्रीम कोर्ट को बताएंगे तो सुप्रीम कोर्ट इस पर कोई आपत्ति थोड़ी दर्ज कराएगा? सुप्रीम कोर्ट में भी राहत की उम्मीद लेकर तो वो छात्र गए हैं, वो छात्र तो मांगी ये कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट तो और खुशी होगा। यहाँ पर अभी यशोवर्धन जी यही कह रहे थे कि साहब कोर्ट को तो सारे कागज सरकार के मुंह पर मार देने चाहिए, वो यही तो कह रहे थे सर। शाबाश बेटा, रोमाना जी 10 सेकंड एक्सप्लेन भी करने दीजिए जी।
मैं ये कह रहा हूँ कि बिल्कुल डेफिनेटिव इनपुट्स के आधार पर ही फैसला लिया जाता है। नैट के एग्जाम में गृह मंत्रालय का साइबर सेल सिक्योरिटी विभाग से डेफिनेटिव इनपुट्स मिले थे, उसके आधार पर यह फैसला हुआ। आज अब इकोनॉमिक ऑफेंसिंग के एडीजी गए हैं, वो अपने इनपुट्स देंगे तो उसके आधार पर फैसला होगा। नीचे आप रिएक्शन नहीं करना है ना इसमें। अब मैं ये एक बात और कहना चाहता हूँ, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं सौरभ मालवीय जी कि ये पेपर लीक क्यों हो रहे हैं, सबसे बड़ा प्रश्न ये है। सर ये जो अलग अलग सरकारें हैं यहाँ की जो पुलिस है और तीनों बीजेपी या एनडीए शासित राज्य हैं, चाहे गुजरात हो, हरियाणा हो, है ना, बिहार हो, यहाँ पर तो सर अगर मैं गलत नहीं हूँ तो 5 मई को एग्जाम हुआ और 8 मई को यहाँ इन्हीं राज्यों में पहले भी एक्शन हुआ है इसी पेपर लीक को लेकर, आप भी जानते होंगे। नहीं, मैं बिल्कुल कह रहा हूँ कि बिल्कुल एक्शन हुआ है और इकोनॉमिक ऑफेंसिंग में स्वतः संज्ञान लेते हुए ये सब कार्रवाइयां की हैं। लेकिन इकोनॉमिक ऑफेंसिंग बिहार पुलिस या बिहार सरकार के अधिपत्य में नहीं है कि वो अपने राज्य के पेपर हल कर कैंसिल कर दे। उसको ये चीज एनटीए को ही देना पड़ेगा और एनटीए भी ये फैसला शिक्षा मंत्रालय से बात करके ही लेगा। आपको ये टोटलिटी में देखना पड़ेगा, ये एक राज्य का मामला नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है 2015 के अपने फैसले में कि एक भी गलत डॉक्टर बनता है तो पूरे पेपर को रद्द कर देना चाहिए, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। तो मतलब फिर सुप्रीम कोर्ट ने उम्मीद की जा सकती है कि नीट की परीक्षा भी जनवरी में, जनवरी 2010 सेकंड रोमाना जी 10 सेकंड अच्छा ले लीजिए रोमाना जी 10 सेकंड जनवरी 2024 में लोक परीक्षा अधिनियम इसीलिए हमने पास करवाया था ताकि ये जो भी पेपर लीक वाले में हो उनको 3 साल से 10 साल की सजा और 1 करोड़ प्रावधान जुर्माने करें। हम किसी को छोड़ने नहीं जा रहे हैं। ये पेपर लीक रीटेस्ट होगा कि नहीं ये एक एडमिनिस्ट्रेटिव लीगल डिसीजन है, लेकिन साथ के साथ सरकार की सबसे बड़ी चुनौती है कि भविष्य में कोई पेपर लीक कैसे ना हो। और इस पेपर लीक के पीछे जो हो, चाहे तेजस्वी हो चाहे कोई और रहे, उनसे भी सवाल जवाब होंगे और वो सवालों के घेरे में आएंगे, जवाब देना पड़ेगा। सिर्फ फेक वीडियो फैला के काम नहीं चलने वाला है। और युद्ध रोक लेना, पेपर लीक नहीं रोक सके, ये सब एडजेक्टिव्स लगाने का समय नहीं है। अच्छा, हमको सिखा दिया है। सुप्रश्न बताइए, वो कह रहे हैं कि मानकर चलिए आप जैसे कि नेट यूजीसी में हुआ, नीट में भी प्रक्रिया अपनाई जाएगी और सुप्रीम कोर्ट पहले कह चुका है कि एक गलत डॉक्टर नहीं बनना चाहिए, इसी तरीके से यहां पर भी एक्शन तो होगा, मतलब एक तरीके से परीक्षा तो रद्द होगी ही, ये मान लिया जाए। देखिए, मैं आशा करती हूं कि जैसे मैंने शांति से बात सुनी, बौखलाएंगे नहीं और मेरी बात पूरी शांति से सुनेंगे। मैं सबसे पहले यहां पर यह कहना चाहती हूं, आपके बीच, मेरे बीच में कोई बोल रहा है, मैं सबसे पहले तो यहां पर यह कहना चाहती हूं, और बात दूध का दूध और पानी का पानी हो गया, पेपर लीक हुआ है, सरकार पता नहीं किस चीज का इंतजार कर रही है। हमने ये जो बड़बोले चीजें है ना, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हमने सुनी है। हम तो चीन को लाल आंख दिखाने वाले थे, बेचारा लद्दाख पूरा सड़कों पर है, हम चीन का नाम ही नहीं ले पाते। तो हमें मत बताइए आप क्या कर देंगे क्या नहीं, आप झुंझुना 10 साल से बजा रहे थे, आप थोड़ा वक्त और बजाइएगा। गजब बेइज्जती है। हमारा अपना मानना है कि अगर 70 पेपर लीक 7 साल में हुए हैं जिन्होंने 2 करोड़ अभ्यर्थियों के भविष्य पर एक प्रश्न चिन्ह लगाया है, तो यह कहने से यहां पर आकर दम भरने से कुछ नहीं होगा। अब पेपर लीक हो गया तो हम फलाने को जेल भेज देंगे। किसको आपने जेल भेजा? आप मुझे यह बताइए, आपने एजेंसीज को क्यों ऐसे निष्क्रिय लोगों को दिया हुआ है? जो एनटीए के हेड है उनके अंतर्गत बार बार पेपर लीक हो रहा है, लेकिन वो आरएसएस के, इसलिए वो बने हुए हैं उस पर। आप सारे संस्थानों पर एक ही एजेंसी का कब्जा कराना चाहते हैं, असलियत ये है। लेकिन उसके परे अगर मैं एक बात करूं तो ये बात करनी जरूरी है कि क्या हम ऐसे कानून पर चर्चा क्यों नहीं करते हैं? पेपर लीक होने के बाद हम ये कर देंगे वो कर देंगे अलग है, बच्चों का भविष्य चौपट हो गया, बच्चे बेचारे हतोत्साहित हो जाते हैं, उनका परिवार हतोत्साहित हो जाता है, मेहनत पर पानी फिर जाता है। पेपर लीक के पहले हम क्यों नहीं एक जॉब्स कैलेंडर, हम क्यों नहीं ऐसा कानून बनाते हैं कि हाड़ कांप जाए पेपर लीक करने वाले की? पेपर लीक होने के बाद क्या होगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। आपका ईओडब्ल्यू है, आपकी पुलिस है, आपका प्रशासन है, बिहार में, हरियाणा में, गुजरात में, उन 3 जगहों में जिसके तार जुड़े हुए हैं, काहे हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं? कौन से डेफिनेटिव प्रूफ का इंतजार कर रहे हैं? हमारे बच्चों का इस तपती हुई गर्मी में प्रदर्शन देखकर तो दिल पसीजिए अपना, परेशान है बच्चे, उनके माँ बाप परेशान है, रात की एक रोटी कम खाकर बच्चों को इस देश की जनता पढ़ा रही है और आप उनके भविष्य और उनके सपनों पर पानी फेर रहे हैं। डॉक्टर रजियालो, देखिए 10 साल से आप लोग सरकार में हैं और ऐसे में देश आप लोगों से उम्मीद करता है, क्योंकि ये सबसे बड़ी विफलता के तौर पर युवाओं के मामले में सरकार की उजागर हो रही है। जवाब दीजिए मुझे, क्या भरोसा देकर जाएंगे आज देश के युवा को जो शो देख रहा है? डॉक्टर रजियालो, देखिए लोक परीक्षा अधिनियम जनवरी 2024 में हमने पास किया जिसमें 3 से लेकर 10 साल तक सश्रम कारावास और 1 करोड़ रुपए जुर्माने का प्रावधान है। अब इसको बदलने की जरूरत है। सरकार निश्चित तौर पर और कड़े कानून लाने जा रही है और ये जो हो रहा है, चाहे वो नैट हो चाहे नीट हो, इसकी तह तक जाएंगे और ये जो नेक्सस है ये ब्रेक करके ही रहेंगे। ये हम ही करेंगे, कोई और नहीं करेगा, क्योंकि पिछले 70 वर्ष में अभी तक हमने देखा है जब भी परीक्षा कैंसिल हुई वो भी बीजेपी की सरकार ने किया, एक बार चाहे यूपी का हो चाहे कहीं भी हो। हाँ। ये अभी मुझे ज्ञान दे रही थी गुजरात का, हरियाणा का, बिहार का, जहां हमारी सरकार है। हाँ। राजस्थान में जब सरकार था तो उस समूह में दही जमता था अशोक गहलोत के, ये तो सिस्टम का फेलियर है। क्या करना, हम जवाब दे हैं, हम जिम्मेदार हैं और हम जिम्मेदारी लेते हैं और काम भी ठीक हम ही करेंगे। ठीक है, नॉट बैड, नॉट बैड।
Not you. ये सब कर देंगे, ये वॉर रुकवा देंगे, पेपर लीक नहीं रुकवा पाएंगे। मुझे बस आप 15 सेकंड का टाइम दे दीजिए। आर्मी रिक्रूटमेंट एग्जाम, AIPMT एग्जाम, SSC CPO, BA फर्स्ट ईयर इंग्लिश का पेपर दिल्ली यूनिवर्सिटी, NEET 2 का पेपर लीक, आर्मी रिक्रूटमेंट पेपर लीक, SSC MTS पेपर लीक, नीट का पेपर लीक 2017 में, कंबाइंड ग्रेजुएशन लोकल एग्जाम लीक, क्लास 10th का गणित और 12वीं का अंग्रेजी का पेपर लीक, गुजरात पुलिस कांस्टेबल का पेपर लीक, उत्तर प्रदेश का UP TET लीक, उत्तर प्रदेश का UP कांस्टेबल लीक, महाराष्ट्र का 10वीं का बोर्ड पेपर लीक, यही नहीं तेलंगाना का इन्होंने पेपर लीक कराया था, इन्होंने RO ARO के पेपर लीक करा दिया, अब UGC नेट और नीट लीक हो गया, बहुत बड़ा पेपर लीक है। तो हम ये कर देंगे, अरे आपने 70 पेपर 7 साल में लीक करा दिए, 70 साल का हिसाब मांगते थे ना पहले, 70 पेपर लीक का हिसाब दीजिए, वो नहीं दे पाएंगे, इधर भागेंगे उधर, हम ये कर देंगे। अरे आप तो बैंड बज गया।